हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वति पेड्यूटेक। आज हम हमारे ये वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, राइट? पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, बिकॉज जितना बेसिक क्लियर वो चैप्टर हमारे लिए उतना ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट लेट डिस्कस व्हाट यू मीन बाय रियल नंबर्स। सी, हमने चैप्टर 1 में नेचुरल नंबर के बारे में समझा। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। हमने होल नंबर्स के बारे में समझा। होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। We also studied about integers. Integers क्या? It is a simple number line. जैसे बीच में zero हुआ, right side है वो सब positive integers, left side सब negative integers. This is called as integers. ठीक है? Like that. So we discussed about this. Then rational numbers होते हैं। अब rational numbers क्या है? याद रखिए। Rational numbers याने p upon q form. It means के it is 2/3 - 5/7 like that. In this, q belongs to integers. क्योंकि इसमें negative term भी आ सकते हैं, positive term भी आ सकते हैं। तो जो q है, ये denominator q, q belongs to this integers, but q should not be zero. यानि अगर 2/3 is answerable, right? It is 0.66 like that, right? Like 0/2 होगा, तो भी answerable है, 0. लेकिन अगर 2/0 है, तो इसका कोई answer नहीं है, right? इसका कोई answer नहीं है, इसीलिए q यानी denominator should not be 0. तो 0 छोड़ के कोई भी terms हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय, हम रैशनल नंबर्स है उसे हम कैपिटल क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है? और रियल नंबर्स यानी क्या? तो ये जितने भी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स है। यानि आप नेगेटिव टर्म ले लो, फ्रैक्शन टर्म ले लो, डेसिमल टर्म ले लो, होल नंबर, नेचुरल नंबर ले लो, यू कंसीडर एनीथिंग, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, समझे? और इसीलिए आपको देखिए बुक में भी लिख के दिया है, नेचुरल नंबर ये सबसेट ऑफ होल नंबर है। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए ये नेचुरल नंबर है जो ये इंटीजर में आ गया, होल नंबर 0, 2, 1, 2, 3, 4 वो भी इंटीजर में आ गया, क्लियर? और ये सब कुछ, ये तीनों तीन दे बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और ये सब, राइट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स, दे ऑल आर दे आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वो सब कुछ रियल नंबर्स है, राइट? तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन शॉर्ट याद कैसे रखना है, ये जितने भी नंबर्स है, दैट होल ऑल नंबर्स आर दी रियल नंबर्स, ठीक है? हम ये चैप्टर में रियल नंबर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स समझने वाले हैं, जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट रियल नंबर इन रैशनल फॉर्म यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म, like that, ये कोई नई बात नहीं है, this thing you have already studied in your lower standard, हम सिर्फ as a revision हम solve करेंगे, so let's start with the first exercise of this chapter, it is one of the simplest chapter in algebra of 9th standard, so let's start with the exercise 2.1, ठीक है? क्वेश्चन 1 दिया हमें, यहां पर क्वेश्चन 1 लिख के दिया हमें, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म
ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, राइट? क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स into terminating and non-terminating recurring type. देखो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग एंड व्हाट यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट, राइट? पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में समझते हैं. व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स. देखिए बहुत ही सिंपल है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग, देखिए जिस जो कंप्लीट डिविजिबल हो. अब कंप्लीट डिविजिबल हो यानी क्या, राइट? कंप्लीट डिविजिबल मतलब जब हम डिवाइड करते हैं और उसका कोई उसका फाइनल आंसर यानी रिमाइंडर जीरो आए तो इट इज कॉल्ड कंप्लीट डिविजिबल, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 इज डिवाइड बाय 2. अगर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टू जा 4, ये कंप्लीट डिविजिबल हुआ. तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग. क्यों? क्योंकि इसका आंसर फॉर्म हो गया. ये तो सिंपल सा देखा. अगर हम मैंने समझो ऐसा कोई टर्म लिया जो कंप्लीटली डिविजिबल डेसिमल फॉर्म हो, कंप्लीटली डिविजिबल डेसिमल फॉर्म, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, राइट? 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाय 2, तो 2 टू जा 4 1, डेसिमल प्लेस कैरी करेगा, 2 5 जा 10. यहां भी देखिए रिमाइंडर 0 बना लेकिन आंसर डेसिमल में आया. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली डिविजिबल डेसिमल फॉर्म. इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग. इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग मतलब जिसका आंसर आ जाता है, जो परफेक्टली आंसर है, क्लियर? जो कंटिन्यू नहीं होता, कहीं ना कहीं वो एंड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर डिवीजन करेंगे तब जीरो आ जाता है. सच नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है? अब मैं यहां लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसमें भी हम आगे और एक टाइप ले सकते हैं, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग. रिकरिंग मतलब क्या हुआ, सेम नंबर इज रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग. फॉर एग्जाम्पल यू टेक एग्जाम्पल लाइक 10/3 मैंने ये लिया. अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 10 को 3 से तो 3 3 9 1 कैरी 0, 3 3 9 1 कैरी 0, 3 3 9 बस ये आते ही रहेगा, राइट? इसका आंसर 0 नहीं आएगा. यहां कौन से नंबर्स लिए थे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर वॉन्ट बी 0.
राइट, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, लेकिन सेम नंबर रिपीट होगा, क्लियर। सो 3.3, और जब ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो जब एक सेम नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम डॉट रख देते हैं, क्लियर। अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो हम डॉट रख देते हैं, इज इट क्लियर। ऐसा डॉट रख देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, वो चलता ही जा रहा है, वो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन रिकरिंग मीन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर ऐसा, अभी समझो शायद ऐसा आंसर आ जाए 3.353535, सेम नंबर, लेकिन कितने दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब एक से ज्यादा डिजिट रिपीट होता है तो ऊपर डैश करते हैं, क्लियर हुआ। तो ऐसे जो नंबर्स है, समझो ऐसा आंसर आया, तो फिर मैं इसे प्रॉपरली लिख देता हूं। तो व्हेन सिंगल नंबर इज रिपीटिंग, तो वो नंबर लिख के ऊपर डॉट करना है। अगर समझ लीजिए, ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब समझ लीजिए ऐसा कोई नंबर है जो 3.353535 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो यहां देखिए आफ्टर डेसिमल सेम नंबर रिपीट हो रहे, लेकिन कितना, सिंगल नहीं डबल, तो हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर डैश कर देंगे। समझ लीजिए दो के बदले तीन डिजिट, चार डिजिट, पांच डिजिट रिकरिंग हो रहा है, तो आपको वो डिजिट लिखने और ऊपर डैश करना। समझ लीजिए कोई डिजिट है ऐसा, कोई रिपीट हो रहा है 0.12563, 12563। अब आप देखिए जरा, ये सेम डिजिट रिपीट हो, 12563 12563, तो आपको क्या करना है, ये रिकरिंग है क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, तो हम सेम वही नंबर लिखेंगे और ऊपर ऐसा डैश कर देंगे, राइट। आपको ऐसे भी सम्स आपको एक्सरसाइज में पूछेंगे, इसीलिए कंसेप्ट अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग मींस जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, वेदर इट इज अ नेचुरल और होल नंबर पैटर्न और इट इज अ डेसिमल पैटर्न, लेकिन अगर डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर फाइनल जीरो आ जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज टर्मिनेटिंग। हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हमारा आंसर, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो इफ सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, तो वो डिजिट लिखो और ऊपर डॉट करना है। इफ मोर देन वन, यानी 2, 3, 4, 5, वॉट एवर नंबर ऑफ डिजिट आर रिपीटिंग, देन यू राइट दैट नंबर इन, जस्ट मेक अ डैश ओवर इट, ओके। बहुत ही सिंपल है, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कंसेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज क्वेश्चन वन। बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पर लिख के दिया है कि हमें जो भी नंबर्स, वॉट एवर रैशनल नंबर्स आर गिवन हियर, हमें वो नंबर्स को क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में क्लासिफाई करना है। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल। सी द क्वेश्चन वन, दे हैव गिवन इज 13/5। बहुत सिंपल है, आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में जो किया है वही हमें करना है, हमें इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें आंसर फॉर्म करना है। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग आया तो वी हैव टू फाइंड आउट कि नंबर्स आर रिपीटिंग और नॉट, और अगर हो रहा है तो कौन सा नंबर हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा सम है ये, तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, ये 5 और ये 13, क्लियर। डिनोमिनेटर ऑलवेज बाहर लिखते हैं, न्यूमरेटर ऑलवेज अंदर लिखते हैं, तो 5 2 10, 3 हुआ, डेसिमल कैरी होगा, ये 0 यहाँ कैरी करेंगे, 5 6 13। नाउ सी,
यहाँ हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 13/5 = 2/6। कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो आ गया। देयरफॉर 13/5 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। यहां हमारा सम ओवर हो गया। हम सेकेंड सम लेते हैं। सेकेंड सम हमें दिया है 2/11, राइट। सेम वे हम लोग डिवाइड करेंगे यहां पर, न्यूमरेटर इनसाइड, डिनोमिनेटर आउटसाइड। ये डिविडेंड हुआ और ये डिवाइजर हुआ। अब देखिए 11 से 2 छोटा है, डिविडेंड है वो डिवाइजर से स्मॉल है। व्हेन डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, तो हम जीरोजा से चलेंगे, क्योंकि 11 वनजा 11 होता है और 11 2 से काफी बड़ा है, इसीलिए जीरोजा। अब हम डेसिमल कैरी करेंगे, राइट। सो 11 वनजा 11, क्योंकि 11 2जा 22 हो जाएगा। तो यहां अगर हमने माइनस किया तो हमारा आंसर 9 आया। अगेन 0, 11 8जा 88। अगर हम यहां सॉल्व करते हैं तो 2। अब देखिए, या तो हमारा मेन डिवाइजर, सॉरी मेन डिविडेंड, या फर्स्ट रिमाइंडर, या सेकंड रिमाइंडर, या थर्ड रिमाइंडर, व्हाटएवर, अगर इसमें से कोई भी नंबर वापस रिपीट हुआ तो समझ जाना है कि अब रिकरिंग स्टार्ट होगा। अब देखिए हमारा आंसर 2 बना, हमारा डिविडेंड क्या है 2। इसका मतलब है अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट रिमाइंडर देखिए 2 था, फिर हमने 0 कैरी किया, तो हमारा देखो ये रिमाइंडर रिपीट हुआ 2। फर्स्ट रिमाइंडर इज रिपीटेड, इसका मतलब मैं यही नंबर आगे फॉरवर्ड मेरा सॉल्व होगा। आप देखिए अब मैंने यहां और एक 0 कैरी किया, क्लियर। तो 11 हमारा आंसर 9 आया, और एक 0 कैरी होगा, 11 8 88। देखिए अगेन 88 19 - 88 2 90 - 88 2, यानी अगर हमारा फर्स्ट रिमाइंडर ले लीजिए, मैं जरा अलग कलर से मार्क करता हूँ, हमारा फर्स्ट रिमाइंडर अगर रिपीट हो जाता है या हमारा मेन डिवाइजर रिपीट हो जाता है, तो हमें समझ जाना है कि अब नंबर रिपीट होंगे। तो ये देखिए 18 18 18 रिपीट होगा। तब इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ उसका आंसर। सो 2/11 इज 0.1818 रिपीट हो रहा है, राइट। और ये कंटिन्यू है, यानी ऊपर हम डैश करेंगे। अगर डैश आ गया, यानी हमें क्या समझना, ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। देयरफॉर 2/11 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 29/16, ओके 29/16। इसे भी मैं डिवाइड करता हूँ 29 and 16। अब देखिए डिविडेंड है वो डिवाइजर से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे आगे 1 2 से सॉल्व कर सकते हो। 16 2 32 हो गया, यानी हम 1 से जाएंगे, 16 1 16, राइट। 9 - 6 3 हो गया, और ये 2 - 1 1 हो गया, ओके 13। अब मैं यहाँ डेसिमल कैरी करूंगा, ओके अब 130 है, तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128। देखिए 128 क्वाइट नियर है, तो मैं 8 से जाऊंगा 128। हमारा आंसर 2 बचेगा। मैं और एक 0 ले रहा हूं। देखिए यहाँ फर्स्ट रिमाइंडर 13 है और हमारा मेन डिविडेंड 29 है, और यहाँ 20 आया, हम और आगे जाएंगे। नाउ 16 1 16 रिपीट हुआ, क्योंकि 16 2 32 है,
तो यहाँ बचेगा हमारा 4, मैं और एक जीरो ले रहा हूँ, राइट, 16 टू जा 32, क्योंकि 16 थ्री जा 48 ज्यादा हो जाता है, ये हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ 8 आएगा। मैं और एक जीरो कैरी करता हूँ, देखिए 16 फाइव जा 80, हमारा रिमाइंडर जीरो फॉर्म हुआ, यानी ये कौन सा टर्म हो गया, हमारा रिमाइंडर जीरो आया, तो ये कौन सा टर्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 29 अपॉन 16 इज 1.8125, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो फॉर्म हुआ, सो 29 अपॉन 16 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा सम है, इसके आगे और दो सम है वो सेम पैटर्न है, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 2, जो सेम है, क्वेश्चन 2 हमें सेम पैटर्न से सॉल्व करना है, नथिंग न्यू इन दैट, कुछ नया नहीं है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, सेम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम जो हमने क्वेश्चन 1 में किया हमें रिपीट करना है, क्लियर। सो द क्वेश्चन इज 127 डिवाइड बाय 200, बहुत ही सिंपल सा सम है, आप इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, और वो क्या था, रिपीट करना है, यानी कैसे, हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हम फाइंड कर लेंगे कि क्या उसका रिमाइंडर आ रहा है जीरो या नहीं, तो दैट वे वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। सी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी कोई नई बात नहीं है, जो क्वेश्चन 1 में हमने डिविजन मेथड किया है वही क्वेश्चन 2 में करना है, सिर्फ हमने वहां पर लिखा था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ हम वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिवाइड करके फाइनल आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसका मेथड 1 देता हूं पहले आपको, इसका मेथड वन बहुत ही सिंपल है, ये मेथड 1 देखिए, यहाँ पर हम यहाँ डिवाइड करेंगे, राइट, 127 को 200 से, राइट, अभी देखिए डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, सो व्हाट वी विल डू, अगेन जीरो से जाएंगे, क्योंकि 200 टू जा 400 हो जाएगा और ये 127 है, सो 127 डेसिमल पुट करना है, राइट। नाउ 200 सिक्स जा 1200, 200 सेवन जा 1400 ज्यादा हो जाता है, तो हम सिक्स से सॉल्व करेंगे 1200, तो हमारा आंसर 70 फॉर्म हुआ, मैं और एक जीरो लगाऊंगा, राइट, तो 200 थ्री जा 600, 200 फोर जा 800, यानी थ्री जा से जाएंगे 600, मेरा आंसर हो जाएगा 100। अब आप देखिए बहुत ही सिंपल है, क्लियर, तो मैं और एक जीरो ले लेता हूं, तो 200 फाइव जा हमारा आंसर आ गया 1000, यानी हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसे हम कैसे लिखेंगे, मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर,
127 डिवाइड बाय 200 और ये हमारा आंसर हो गया 0.635। ओके 0.635 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब सॉरी ये सेकेंड मेथड से नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। नाउ सेकेंड इज 25/99। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ डिवाइड करेंगे 25 इज डिवाइजर 99 इज सॉरी 25 इज डिविडेंड 99 इज डिवाइजर। हम यहाँ पर कई बार गलती करते हैं, हमारे माइंड में ऐसा सेट होता है कि बिगर नंबर ऑलवेज इनसाइड द डिविजन साइन, ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर इज डिविडेंड डेनोमिनेटर इज डिवाइजर, तो जो ऊपर है वो अंदर, जो डिनोमिनेटर में वो नंबर बाहर, हमें से यहाँ डिवाइड करना है। सो हम यहाँ पहले टेबल लिख लेते हैं 99 वन ज़ा 99 टू ज़ा राइट 99 थ्री ज़ा 99 फोर ज़ा 99 फाइव ज़ा राइट। तो पहले हम सॉल्व करेंगे जीरो ज़ा बिकॉज डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर। ओके तो जीरो ज़ा सो इट इज 25, मैं डेसिमल लूंगा। नाउ 250 यानी 198 से जाएंगे, टू ज़ा 198 माइनस 10 माइनस 8 टू और यहाँ 14 आएगा तो 5 और ये जीरो, मैं और एक जीरो लेता हूँ 495। तो 99 सिक्स ज़ा से जा सकते हैं, 9 6 54 एंड 559 बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी 5 ज़ा से सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 495 और ये 5 हो गया राइट। ये 11 माइनस 9 2। देखिए अभी आप अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए हमारा डिविडेंड रिपीट हुआ, या आप कंसिडर कीजिए फर्स्ट रिमाइंडर रिपीट हुआ 25। जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हमें स्टॉप हो जाना है, ठीक है। फिर भी अगर हमें डाउट है तो आप आगे एक बार और सॉल्व कर दीजिए राइट। तो ये 25 अगेन आ गया, तो अब मैं यहाँ पर एक जीरो और लूंगा 250 आ गया, 250 है तो अगेन 198, तो 2 ज़ा 198। अगर मैंने सॉल्व किया तो ये 52 आ जाएगा, मैं और एक जीरो लूंगा, देखिए 520, तो हम 5 ज़ा से गए थे, देखिए 25 25 रिपीट हो रहा है, अगेन 25 रिपीटेड राइट। तो इसे हमें फाइनल आंसर ये कैसे लिखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने इसके आगे वाले एक्सरसाइज में लिखा था वैसे। सो 25 डिवाइड बाय 99 यहाँ हम लिखेंगे 0.25 और ऊपर कर देंगे डैश और ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसके यही पैटर्न से आप आगे वाले तीन सम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड टू क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 राइट। हमारे अगले वीडियो में है, हम इसको आगे कैरी करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।